हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का मैं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन दीक्षित पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण की। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इस पर फ्रेंड्स बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा है, हम सबको भूख लगती तो हम अपना भोजन या तो मार्केट से खरीद कर खा लेते हैं या खुद बना कर खा लेते हैं, लेकिन जब पेड़ पौधों को भूख लगती तो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, इस बात को आज हम समझेंगे। इस बात को फ्रेंड्स आज हम समझेंगे, क्योंकि इनमें भी जीवन है, इनको भी जीवित रहने के लिए और बढ़ने के लिए भोजन की आवश्यकता है। पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, तो वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, इस बात को हम समझेंगे। फ्रेंड्स, सर जगदीश चंद्र बसु ने तो बताया, हमने शायद चैप्टर पढ़ा था 9th या 10th में इंग्लिश में, प्लांट्स आल्सो ब्रीथ एंड फील। सर जगदीश चंद्र बसु ने बताया कि पौधे भी महसूस करते हैं और सांस लेते हैं, वे भी हमारी तरह सुख और दुख का अनुभव करते हैं। और बाद में उन्होंने एक यंत्र से इसे प्रूव भी किया, क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र से। क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र फ्रेंड्स उन्होंने बनाया, जिससे उन्होंने इसे प्रूव भी किया। क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि नापने का भी एक यंत्र है, क्रेस्कोग्राफ पौधे की वृद्धि नापने का एक यंत्र होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो हरे पेड़ पौधे हैं, हरे पेड़ पौधों में जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। हरे पेड़ पौधों में जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है, उसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। इसमें क्या होता है, प्राण वायु ऑक्सीजन जो है, जो हम श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन यूज करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, उसका निर्माण होता है। जो पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, उनकी श्वसन क्रिया के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो ऑक्सीजन गैस कहाँ से निर्माण होता है, फोटोसिंथेसिस क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण क्रिया से ऑक्सीजन निर्माण होती है। और ये जो हमारे द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड जब हम कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकालते हैं, वो ये यूज करते हैं अपने भोजन के लिए। तो हरे पेड़ पौधों में जो भोजन बनाने की फ्रेंड्स प्रक्रिया है, वो फोटोसिंथेसिस कहलाती है। इसमें होता क्या है, जो वायुमंडल की जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको ये लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। जो फोटोसिंथेसिस फ्रेंड्स प्रक्रिया है, ये जो फोटोसिंथेसिस फ्रेंड्स क्रिया है, केवल हरे पेड़ पौधों में ही संभव है। और हरे पेड़ पौधों में सबसे ज़्यादा रोल किसका है, पत्तियों का। सबसे ज़्यादा इसमें अहम रोल निभाती हैं पत्तियाँ निभाती हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है, ये जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं, पृथ्वी से पानी को अवशोषित करती हैं। जड़ें पृथ्वी से पानी को अवशोषित करती हैं, और यह जो पानी है, तने के माध्यम से पेड़ की पत्तियों तक पहुँचता है। तने के माध्यम से कहाँ तक पहुँचता है, पेड़ की पत्तियों तक पहुँचता है। पत्तियाँ मनुष्य द्वारा वातावरण में जो छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको अवशोषित कर लेती हैं, ग्रहण कर लेती हैं। पत्तियाँ क्या करती हैं, वायुमंडल में मनुष्य द्वारा छोड़ी गई जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको ग्रहण कर लेती हैं। फ्रेंड्स, पत्तियों में आपने ध्यान दिया होगा, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को क्या कहते हैं, स्टोमेटा। इन छिद्रों को क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। इन छिद्रों के कारण ही कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के क्लोरोफिल से क्रिया करती है। इन छिद्र जो हैं, पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इन छिद्रों के कारण ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो पत्तियां वायुमंडल में जो मनुष्य द्वारा छोड़ी गई जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसको ऑब्जॉर्ब करती हैं, उनसे पौधे के क्लोरोफिल से कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया करती है, क्लोरोफिल से क्रिया करती है। तो क्लोरोफिल से क्रिया करती है। क्लोरोफिल फ्रेंड्स क्या होता है, क्लोरोफिल जो है फ्रेंड्स, क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाने वाला एक हरे रंग का वर्णक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला एक हरे रंग का वर्णक होता है, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल का फ्रेंड्स हिंदी जो नाम है, वो है पर्णहरिम। क्लोरोफिल को फ्रेंड्स हिंदी में क्या कहते हैं, पर्णहरिम कहते हैं। पर्णहरिम का फ्रेंड्स यदि हम संधि विच्छेद करें, तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पर्ण जो पर्यायवाची है, ये किसका होता है, पत्ता यानी पत्तियां। पर्ण को हम क्या कहते हैं, लीफ, पत्तियां। और हरिम किसे कहते हैं, ग्रीन, हरे रंग को कहते हैं। हरिम किसे कहते हैं, हरे रंग को कहते हैं।
फिर जो पत्तियों का ये जो हरा रंग है ये क्लोरोफिल के ही कारण होता है। पत्तियों का जो हरा रंग है वो किसके कारण होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का जो कलर है वो हरा होता है। ये जो क्लोरोफिल है सूर्य के प्रकाश को संग्रहण करने में पत्तियों की मदद करता है। क्लोरोफिल जो है सूर्य के प्रकाश को संग्रहण करने में पत्तियों की क्या करता है? मदद करता है, पत्तियों की मदद करता है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल नामक वर्णक की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है? ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। कैसे? ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, 6CO2 प्लस 12H2O सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य सनलाइट, सनलाइट C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ये क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। ये फ्रेंड्स क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। और ये ऑक्सीजन का निर्माण होता है। 6CO2 प्लस 12H2O और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में C6H12O6 प्लस 6CO2 प्लस 6H2O, ये क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हरे जो पेड़ पौधे हैं अपना भोजन बनाते हैं। द प्रोसेस बाई विच ग्रीन प्लांट्स टर्न कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इंटू फूड बाई यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हरे पेड़ पौधे फ्रेंड्स हैं अपना भोजन बनाते हैं। तो आज की क्लास को यहीं रखेंगे, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।